तो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में आपको मिलेंगे लेटेस्ट अपडेट इंटरनेट और रियल वर्ल्ड से। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कचरा कचहरी में, और आशा करता हूं कि आप लोग जिंदा होंगे। और अगर आप लोग जिंदा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। एक छोटी सी अफवाह तीन लोगों की जान ले गई। ये न्यूज है सासाराम रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस की। तो ये घटना फ्राइडे 8 बजे रात की है, कुमान स्टेशन की, जो झारखंड में पड़ता है। रात में एक अफवाह आती है कि इंजन में आग लग गई है, तो कुछ लोग इसी क्योस में ट्रेन से कूद जाते हैं और उनको मालगाड़ी टक्कर मार देती है। इंडिया के T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होने के बाद ये न्यूज आ रही है कि सुमन गिल और अवेश खान को वापस इंडिया भेजा जा रहा है। तो सुमन गिल, अवेश खान, रिंकू सिंह और खलील अहमद एज अ रिजर्व प्लेयर ट्रेवल कर रहे थे इंडियन टीम के साथ। हालांकि ऐसे बोला जा रहा है कि सुमन गिल को इंडिया भेजने की वजह उनका एटीट्यूड है। BCCI इस बर्ताव से बिल्कुल खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि सुमन टीम से ज्यादा अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देते हैं और उनके और रोहित शर्मा के बीच चीजें ठीक नहीं है, और उन्होंने रोहित शर्मा को अनफॉलो भी कर दिया इंस्टाग्राम। हालांकि माइक हेल को BCCI ने ये इन्फॉर्म किया कि ये सारी रिपोर्टिंग न्यूज बेसलेस है, सो डोंट बिलीव इन दिस र्यूमर्स। तो अगली न्यूज G7 समिट से। आपको पता ही है कि मोदी जी और मेलोनी में एक गहरा रिश्ता है, जो कि इंडियन रीलों में दिख ही जाता है आप लोगों को। स्वीटी लव है। उनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, तो आप भी देखिए ये क्या है। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। तो इस वीडियो के बाद मोदी जी ने भी इस वीडियो पे अपना रिएक्शन दिया है। तो उन्होंने लिखा है कि, तो उन्होंने इटालियन में इस पोस्ट को रीट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है लॉन्ग लिव फ्रेंडशिप इटली एंड इंडिया। तो अगली अपडेट वन ऑफ द बिगेस्ट फिनटेक कंपनी पेटीएम से। पेटीएम अपने काफी एम्प्लॉय को वॉलंटरी रिजाइन देने को फोर्स कर रहा है, जिसमें से एक एम्प्लॉय का बयान सामने आ रहा है। उन्होंने बोला कि मैं रोने लगा मीटिंग में, अपने से कम सैलरी और नीचे पोस्ट में भी काम करने को रेडी था, और मैं हाथ जोड़ के ये बोल रहा था कि प्लीज मुझे रख लो। तो पेटीएम के कुछ एम्प्लॉय ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि कंपनी डिमांडिंग देयर जॉइनिंग एंड रिटेंशन बोनसेस बैक। जैसा कि आप सबको पता है कि RBI ने पेटीएम के फाइनेंशियल आर्म और वॉलेट पर रोक लगा दी है, तो उसी कारण पेटीएम ने काफी एम्प्लॉयज को फोर्स कर रही है रिजाइन करने को। हालांकि कंपनी के स्पोक पर्सन ने ये सारे इल्जाम को डिनाई कर दिया है और उन्होंने बोला है कि हम ऑनरली सब काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को अपना पूरा नोटिस पीरियड सर्व करवा रहे हैं और ये सारे रूमर्स फॉल्स है। अगली न्यूज क्रिकेट के बारे में है। आपको तो पता ही होगा वर्ल्ड कप से पाकिस्तान की टीम बाहर हो चुकी है। अभी ना एक वीडियो वायरल जा रहा है पाकिस्तानी फैंस का, जो मैच इंडिया पाकिस्तान के बीच हुआ था ना, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को क्या हराया था, क्या ही खतरनाक खेले थे वो। तो मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूँ। अगर हमें IPL में बुलाओ ना, तो फिर पता होगा आप लोगों के शाहीन को किस तरह खेलना है, हारिस रोक को किस तरह खेलना है। नसीम आप बुलाते नहीं हो ना, खेलने आते हो, तो जब खेलने आते हो तो देखो ये हो जाता है। बिल्कुल आराम से जीता हुआ मैच हार गए पाकिस्तान टीम को ना। नहीं यार नहीं, क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गए में यार? अच्छा तो खेला पाकिस्तान ने, पागल तो नहीं हो? रो नहीं यार, इंडियन टीम, इंडियन कप्तानसी, इंडियन बॉलर्स, इंडियन टीम का प्लेयर्स का माइंडसेट को मैं वो डाउन करता हूँ भाई। मान गए आज भाई आप लोगों के माइंडसेट को, जो इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर हैंडल करना आपके बॉलर्स को, मान गए भाई के फंसा दिया आपने 119 रन दिया यार, अब क्या कर सकते हैं भाई अब। तो अगली न्यूज क्रिकेट से ही है। तो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कोई पाकिस्तानी यूजर है जो एक्स पे लिखते हैं, इंडिया विल लूज T20 वर्ल्ड कप 2024 ड्यू टू इट्स मीडियोकर बॉलिंग, टॉप टीम विल बैश इंडियन बॉलर्स ऑन गुड पिचेस, #T20 वर्ल्ड कप। इसी को एक इंडिया का यूजर सैवेज जवाब देता है, एंड पाकिस्तान विल हैव टू प्ले क्वालिफायर्स टू प्ले द नेक्स्ट वर्ल्ड कप बिकॉज ऑफ इट्स थर्ड क्लास स्क्वाड, इवन एसोसिएट टीम्स लाइक USA एंड कनाडा बेस्ट पाकिस्तानी बॉलर्स ऑन बॉलिंग पिचेस। तो अगली अपडेट पंचायत 3 से। आप लोगों ने पंचायत 3 तो अब तक देख ही लिया होगा ना, तो उसमें जो अम्मा जी का रोल करती हैं, उनकी एक मेडिकल कंडीशन के बारे में है। उन्होंने अपने सारे दांत खो दिए थे एट द एज ऑफ 35 ड्यू टू अ मेडिकल कंडीशन, और उनकी बॉडी जो है ना 45 इयर्स की एज में शिवर करने लग गई थी। मैं बता दूं वो अभी 75 इयर्स की हैं, और उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत 54 इयर्स की एज में की थी अपनी माँ के गुजर जाने के बाद। इसलिए कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो आज की लास्ट अपडेट आप लोग की फेवरेट हो सकती है। तो आप लोग इनको तो जानते होंगे ना, ये अपने सोशल मीडिया पे सेक्सुअल इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती है। तो ये रियल हिट के पॉडकास्ट पे जाती है और वहाँ पे ये बताती है कि जो फ्लेवर्ड कॉन्डम्स हैं ये सेक्स के लिए नहीं होते। आगे इन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। ठीक है, उन्हें पता नहीं है
पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं, दैट ओरल कॉन्डम्स आर नॉट मेंट फॉर वजाइनल सेक्स. ओरल फ्लेवर्ड कॉन्डम्स लेके उससे कैसे सेक्स कर रहे हो? ओरल कॉन्डम्स अलग होते हैं क्या? फ्लेवर्ड कॉन्डम्स आर नॉट फॉर सेक्स. अच्छा, वो आपका वजाइना का पीएच डिस्टर्ब करेंगे, इरिटेशन हो जाएगी मेल को भी. तो पता नहीं ना, क्योंकि सब ऐड कर रहे हैं फ्लेवर्ड कॉन्डम्स की, तो लगा यही होता होगा. महंगा खरीद लेते हैं हम, हमें लगता है कि 200 रुपये खरीद लो, क्या हो गया फिर. मार्केट पे जो सही वाला है वो 50 का भी मिलता है, लेकिन हम खरीदते हैं क्योंकि बताया नहीं जाता ये इसके लिए नहीं है. इसी के साथ हमारी सारी अपडेट्स यहाँ पे खत्म होती है. अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लेना ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले.